ऑब्जर्व करना है सामने सामने, और जब मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को बैक घूमना है, बैक पता नहीं कैसे बताए थे अपोजिशन डायरेक्शन घूमना है, उसके बाद आपको तीन चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अपने को, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस किए। जिनको ये गेम नहीं समझ में आया उससे पूछ सकते हैं।
इस गेम से आप लोगों ने क्या सीखा, ऑब्जर्व करने से आप लोगों ने इस गेम से क्या ऑब्जर्व सीखा। अब एक काम कीजिए, आप लोग एक लाइक गोल सर्कल बना लीजिए, सारे लोग गोल सर्कल बना लीजिए विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। गोल सर्कल, गोल सर्कल, राउंड सर्कल, 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 सर्कल। अब इस गेम से आप लोगों ने क्या सीखा, कितने लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों ने क्या इस गेम से सीखा, कुछ ऑब्जर्व जो हम लोग किए हैं लाइफ में, ऑब्जर्व का क्यों जरूरत है, हमारे एटीट्यूड में ऑब्जर्वेशन की क्या जरूरत है, आप बताइए। आपने क्या सीखा इस गेम के लिए, मोटिवेट करने के लिए बोलो, बोलो, देखा ना।
लोग अपनी मम्मी को देखते हैं, मम्मी पापा का कौन सा मूड में ऑब्जर्व करते हैं ना, कि अभी ये मूड रहेगा तब मम्मी को कहेंगे कि ये सामान चाहिए, पता है ना। तो आप क्या क्या मम्मी के साथ ऑब्जर्व करके बोलती हूँ, मम्मी का मूड ठीक है तो कुछ आपकी बात ही नहीं समझ में, किसको समझ में आया, आया समझ में?
रहेगा तब तक आज आपका खाना बंद और आप यहाँ पे आगे मुंह देख रहे हैं। आज तो समझाना है, हाँ समझाते ही जाएंगे। आप एक मिनट का टाइम ले लीजिए, दिमाग पे एकदम जोर डालिए, लेकिन आपको समझाना है। हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, ये सब एक यही वजह है कि हम
पेशेंट के साथ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते और लोगों पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, क्रिटिसाइज करते हैं, अरे उसको समझ ही भी नहीं आता है। तो खुद पहले हमें उनको समझना पड़ेगा। अगर मैं खुद समझूंगा कि इनमें क्या कमी है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। भगवान क्या बोलते हैं कि इंसान एक गलतियों का पुतला है। क्या है, गलतियों का पुतला। पता है इसका मतलब क्या हुआ, क्या है, कौन बताएंगे? इंसान को गलती करना है, लेकिन हम जितना समय उनकी गलती को ढूंढने के लिए निकालेंगे, उतना समय में अगर हम उनकी अच्छाई को निकालेंगे, तो हमें क्या लगता है कि हम उनको अच्छी तरीके से उसको हमें समझना पड़ेगा और हम उनके साथ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है। भगवान, प्रॉफेट या मैसेंजर के अलावा कोई परफेक्ट इस यूनिवर्स में नहीं है। तो हम जितना देर उनकी बुराइयों को ढूंढने में जाएंगे, उनकी अच्छाइयों को हम निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, हमारे उनके साथ ताल्लुकात और उनकी जो बुराई है वो धीरे धीरे वो बुराई भी कम हो जाएगा। कभी कभी क्या लगता है कि जब हम किसी के बारे में बिना मिले हुए भी और अंदर अंदर गाली देते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक एनर्जी बॉडी से निकलती है, वो कहां से पहुंचती है और वो उनके दिमाग में पहुंचाते हैं कि इसके वजह से इनको ये प्रॉब्लम, और धीरे धीरे उनसे हमारा रिलेशन खराब होना शुरू होता है। इवन उनको पता नहीं था कि एग्जाम्पल एक भाई देख को डेली उनसे नफरत करता, उनको पता नहीं है कि वो उनसे नफरत करते हैं, लेकिन वो कुछ कॉस्मोस एनर्जी जो डायरेक्ट वो बोलते हैं, रेज बोलते हैं, वो उससे जैसे मेडिकल में ऑरा भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां तक वो सिग्नल पहुंचता है और पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, उनको हमारे बारे में निगेटिविटी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, निगेटिविटी। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, जब भी कुछ देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा सुकून से उसको समझेंगे, क्या है सही है, क्या है गलत है, राइट। इसे ही बोलते हैं एटीट्यूड डेवलपमेंट, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये चीजें भी बहुत बड़ा क्या होता है अहम रोल अपनाता है अपने लाइफ में। क्योंकि अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो जब तक हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारी अच्छी पर्सनालिटी होगी क्या? अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होगी, बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करने में हेजिटेशन आ रहा था, हेजिटेट कर रहे थे, उनको इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, उनको डर लग रहा था। और जब तक आपको डर लगेगा तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, डर के आगे जीए। क्या बात है, डर के आगे जीए। तो ये डर अपने जिंदगी से निकालना, डर अच्छी बात है कहीं कभी, लेकिन डर जो है आपके जिंदगी के, जो आप जो भी चाहते हैं, बोलते हैं भगवान कहते हैं कि आपको जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि निसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या मतलब, कौन बता सकते हैं निसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कौन बता सकते हैं? नहीं सुना किसी ने? जरूरत थी ईजाद की जननी होता है, ये सुना आप लोगों ने? जरूरत ही ईजाद की जननी होती है, मतलब निसेसिटी जो जरूरत होता है ना, जिस चीज की जरूरत होता है उसी से वो रिसर्च इन्वेंशन होता है। सुने नहीं सुने कि नीड्स जब होती है, हमारी जो नीड्स होती है तो ही हमें काम चीज को पाने की लगत है, राइट। एग्जाम्पल, मुझे पानी की नीड्स है तो पानी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ढूंढ के पानी पीता हूं, करेक्ट। तो ये हमारी नीड्स है। उसी तरीके से आपके लाइफ में भी कुछ गोल होने चाहिए और हर लॉन्ग टर्म गोल पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना। एग्जाम्पल है, आपको कॉलेज आना है तो आपको बस पकड़ना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट करना होगा, और ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों ने सुने ब्रेकफास्ट नहीं, कितने लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वेरी गुड, नहीं करते ब्रेकफास्ट,
आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं नहीं करते हैं। जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनके ब्रेन का टिश्यू, ब्रेन का टिश्यू समझ में आता है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को खाते हैं। जब आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेन का एक टिश्यू। तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? मजा आता है ना ब्रेकफास्ट करने वाले नहीं करने वाले? अगर आपका ब्रेन का टिश्यू एक दूसरे टिश्यू को खाने लगेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। तो जरूरत क्या है? आप कितने लोग नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट? करेंगे? और किसी को कुछ बताना है आप बताएंगे? ऑब्जर्वेशन पर कुछ नहीं करना है। इधर आइए। मतलब ये वही ना कि अन्ना अन्ना की बोलते हैं तो हम सारे उनके पीछे आइए। नहीं बहुत कुछ बचाओ नहीं मैं तो बोलना आप किसी अभी मैंने आपको बताया नीचे तीन का बताओ इंटेंशन कुछ नई चीजें चाहिए क्या बोलूं सब बोलिए उसका कुछ नई चीज मुझे बता